गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज आपको मैं पेज नंबर 15 पर ड्राइंग एंड कलरिंग करवाऊंगी। इसमें क्या दे रखा है, ग्राफ ड्राइंग। इसमें आपको पैटर्न दे रखे हैं और कुछ मिसिंग पैटर्न भी है जो आपको बनाना है ना। इसमें मिसिंग है पैटर्न, तो आप उसको इसमें से देखकर इसको कंप्लीट करोगे और उसको फिर ड्रॉ होने के बाद आप कलर करोगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले हमें देखना है ये पार्ट, इसमें क्या मिसिंग है। इसमें पूरा कंप्लीट है, फिर देखना हमें सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या करना है, ये देखो, हमें यहाँ पे आईज बनानी है ऐसे। उसके बाद यहाँ से राउंड में ऊपर ले जाते हुए हमें इसको कहाँ लाना है, इस राउंड के यहाँ ऐसे, है ना। जो मिसिंग है उसको हमें कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे है इसका ईयर, देखो इधर देखो, यहाँ से ऐसे बार से ऐसे आ रहा है ना ये, और इसको भी ऐसे लाकर ऐसे करना, ठीक है। अब ये है ये वाला ईयर जाएगा यहाँ से ऐसे, ठीक है। और अब आपको इसके अंदर ऐसे लाइनिंग करनी है। यहाँ वन आईज तो ये हो गई, और एक आई यहाँ बताना है, तो यहाँ हम ऐसे सर्कल बना लेंगे। ये बन गया इसका, अभी ये पार्ट कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी जो ये नोज बनी हुई है ये यहाँ आके रुक रही है, इसको हम हल्का सा, ये देखो, अंदर की तरफ लाना है हल्का सा ऐसे। उसके बाद ऐसे राउंड में लाते हुए यहाँ तक लाना है, और फिर अंदर सर्कल छोटा सा। ये पार्ट कंप्लीट है। अब आना है हमें यहाँ, यहाँ क्या करना है, ये देखो, ये लाइन और ये लाइन, इन दोनों लाइन को राउंड में हल्का सा कर्व देते हुए इसको ऐसे यहाँ तक लाना है, ओके। अब इसके जो टिथ हैं ऐसे बने हुए हैं, वन और वन, ये बना हुआ है। इसमें सब कंप्लीट है। यहाँ ये जो लाइन दे रखी इसको लाना है हमें यहाँ तक, कर्व में स्मॉल कर्व, तो यहाँ से फिर ऐसा। ये पार्ट भी कंप्लीट है। अब हमें आना है इस वाले पार्ट, इसमें क्या करना है, जो ये लाइन यहाँ छोड़ रखी है और ये लाइन यहाँ छुटी हुई है, तो इसको हमें इसे ज्वाइन करना है, इसको यहाँ, यहाँ आपको ये वाला पार्ट ऐसे लेके ऐसे ये बनाना है आपको पानी। अब इस पार्ट में आना है, इसमें क्या करना है, ये देखो, ये लाइन यहाँ से मिसिंग है, पहले तो इस मिसिंग लाइन को हमें ऐसे कंप्लीट करना है। उसके बाद जो ये लाइन यहाँ छूटी हुई है इसको लाना है यहाँ तक ऐसे राउंड में ऐसे कर्व देते हुए ना, और यहाँ से ले जाना है हमें इसको यहाँ तक, तो फिर यहाँ भी हम पानी बना देते हैं। यहाँ पे ओके, और ये मिसिंग लाइन है, इसको भी हम कंप्लीट कर देंगे। तो ये देखो कंप्लीट है ना। यहाँ टीथ जो मैंने बनाया है वो थोड़ा सा स्मॉल हो गया है ना, तो इसको हल्का सा हम इसको बिग बना, thank you.
अब सही लग रहा है ना? ये यहाँ मिसिंग है हल्की सी छोटी सी लाइन, इसको भी कंप्लीट कर दिया है। उसके बाद इसको यहाँ से पूरा कंप्लीट है। अब हम इसके अंदर कलर करेंगे। कलर करना है इसमें आपको पर्पल एंड पिंक एंड ब्लू। आइस को छोड़ के हम बाकी पूरी बॉडी पे हम पर्पल कलर करेंगे। पिंक करना है हमें यहाँ और यहाँ, ओके। बाकी पूरी बॉडी पे हम पर्पल कलर करेंगे। लाइन के पहले पास पास में करते हुए हमें इसको कंप्लीट करना है। यहाँ करना है डार्क ब्लू, फिर करना है हमें लाइट ब्लू। देखो बच्चों, ऐसे ही आपको भी ड्रॉ करना है। जो टीथ दे रखे हैं इनके अंदर कलर नहीं करना है, क्योंकि टीथ कौन से कलर के होते हैं? वाइट है ना, तो वाइट ही रहना है ना। और बाकी में आपको ऐसे ही कलर करना है। यहाँ देखो नेल्स भी दे रखे हैं, ये भी हमें छोड़ना है, वाइट ही रहने देना है। और ऐसे ही आपको कलर करना है और फिर होमवर्क अच्छी सी फोटो खींच के सेंड करना है। ओके, बाय, गुड डे।